सलमान खान के मुंबई वाले घर पर फायरिंग हुई थी। सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों की गुजरात के भुज से गिरफ्तारी हो गई है। इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। बता दें कि 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी और फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने ली है। वहीं सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटर विशाल उर्फ कालू है, जो रोहित गुंदारा गैंग से ताल्लुक रखता है। सलमान खान पर इस तरह का हमला पहली बार हुआ है, लेकिन सालों से भाईजान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सलमान खान को विश्नोई गैंग से काफी खतरा है। लॉरेंस विश्नोई और भारत कैनेडा के वॉन्टेड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस विश्नोई अभी जेल में है, लेकिन उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल में रहते भी कई कांड कर चुका है। सलमान खान के पीछे बिश्नोई गैंग क्यों हाथ धोकर पड़ा है, इसका जवाब जानने के लिए 26 साल पहले जाना होगा। साल 1958 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं। उसकी जोधपुर में शूटिंग चल रही थी। इस दौरान सलमान खान पर दो काले हिरन के शिकार का आरोप लगा। साल 2006 में सलमान दोषी साबित हुए, फिर हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इस पूरे मामले में सलमान खान को जेल की हवा खानी पड़ी थी। सलमान खान की जान के पीछे पड़े लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से आता है, जो काले हिरन को बहुत मानता है। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार कहा था कि हम लोग सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। उसका कहना था कि सलमान ने काले हिरन का शिकार किया है, जो उसके बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। यदि उन्होंने इस मामले में माफी नहीं मांगी तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को साल 2022 में भी जान से मारने की धमकी दी थी। साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में लॉरेंस ने धमकी दी कि अगर सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने दो बार सलमान को जान से मारने की कोशिश की थी। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे भरोसेमंद संपत को सुपारी दी थी। संपत मुंबई पहुंचा और कुछ दिन सलमान खान के घर की रेकी की। एक दिन उसे मौका मिल गया और सलमान खान सामने थे। संपत ने अपनी पिस्टल लोड की, लेकिन सलमान के साथ सिक्योरिटी थी, जिस वजह से संपत करीब नहीं जा सकता था। पिस्टल से इतनी दूरी से निशाना लगाना संभव नहीं था। संपत को प्लान कैंसिल करना पड़ा था और इसके बाद संपत ने 4 लाख की आर के स्प्रिंग राइफल खरीदी, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उसे और राइफल देने वाले शख्स दिनेश फौजी को गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान को 4 बार अब तक धमकी मिल चुकी है, 2 बार जान से मारने की कोशिश की गई है और अब उनके घर पर फायरिंग की घटना ने पुलिस को एक बार उनके सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। सलमान खान की जिंदगी में जो हो रहा है वो किसी फिल्म जैसा ही है। एक गैंग है, उसमें कई गैंगस्टर्स हैं। उनमें से एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 2014 से भारत के कई जेलों में घूम रहा है। दूसरा गोल्डी बरार 6 सालों से कनाडा में है और इस गैंग में कई गुर्गे हैं जो बदलते रहते हैं। सलमान खान पर फायरिंग में अनमोल बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और अमेरिका में रहता है। एक कथित फेसबुक पोस्ट में उसने हमले की जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन भाईजान इन सब बातों से बेखबर अपना काम कर रहे हैं। सलमान खान की कड़ी सुरक्षा में फायरिंग की घटना के बाद पहली बार गैलेक्सी अपार्टमेंट से बाहर वो निकलते हुए देखे गए हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी नाइन डिजिटल पर।